सबर करो, बोल। अस्सलाम वालेकुम। घूमना फिरना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से रिसेंटली कुछ दिन पहले हम एक एडवेंचर पर गए थे और वो एडवेंचर था समंदर के अंदर एक आइलैंड के ऊपर और वहाँ पर हमने एक रात गुजारी थी। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है, वीडियो को फुल देखना। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई न्यू वीडियो, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। आज हम जा रहे हैं एक आइलैंड के ऊपर, वहाँ पर एक मेला है, फेस्टिवल है। तो अभी हम कश्ती वगैरह पे भी जाएंगे, सबसे पहले यहाँ से शाह बंदर जाना है बाइक पे। पेट्रोल पंप पे हूँ, पेट्रोल भरवा रहा है, उसके बाद हम जाएंगे। हमारे शहर के करीब कुछ पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो शहर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती हैं। हम तीन लड़के पहुंच गए हैं शाह बंदर और अब आगे की तैयारी होगी यहाँ से। हाँ भाई, कश्तियाँ देख रहे हो यहाँ पर? अरे कश्तियों को छोड़ो, रश देखो, रश। ये देखो कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मेले के लिए जा रहे हैं। ये सामने नेवी का मेरीन बेस है, मेरीन बेस शाह बंदर, और यहाँ पर आम लोगों के जाने की वैसे इजाज़त नहीं है, इसलिए आगे ये जंगले लगाए हुए हैं यहाँ पर। और हमें यहाँ से 3 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद आगे के लिए बोट मिली। समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। दोस्तों, सूरज रास्ते में ग़ुरूब हो चुका था, तो जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। रात को वहाँ पर उतरना और वहाँ पर आगे सफ़र करना मुश्किल था। और सबसे पहले हमें जिस चीज़ का सामना करना पड़ा, उफ, रात का वक्त और कीचड़ के अंदर 2 से 3 किलोमीटर नंगे पाँव चलना, उफ। हेलो जी, वेलकम बैक। अभी हम आए हैं यहाँ पर मेले पे, इब्राहिम शाह का मेला है, और इतनी मुश्किलात से गुजर के अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। हाथ वगैरह धोए हैं, पाँव धोए हैं, अभी कपड़े सारे ख़राब हो गए थे मिट्टी से। अभी हमें भूख लगी हुई है, दोपहर का हमने कुछ नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया। और अभी हमारे साथ इम्तियाज़ और शाहिद हैं। अंधेरा है इसलिए नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी खाना खाने लगे हैं यहाँ पे, भूख लगी हुई है, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ। खाने के बाद सोचा कि भाई मेला भी देख ले, लेकिन एक प्रोटिप है भाई कि अगर आपने एडवेंचर करना है तभी यहाँ आएँ, खाली मेला देखने के लिए आएंगे तो रास्ते से ही तंग आ जाएंगे। ये यहाँ पर मज़ार है जिसकी वजह से मेला लगता है, और इसके इर्द गिर्द कुछ दुकानें हैं, छोटा सा मेला है और कुछ मार्केट्स हैं। Thank you.
कैसी चाय? हाँ सही है वाकई। जानी सुबह सवेरे का मंजर एक जजीरे के ऊपर और सर्दी तो यार हवा बहुत तेज चल रही है। सर्दी है देखो, मेरे नीचे अपर भी पहन लिया, लेके आया था मैं कि शायद काम पड़ जाए, ऊपर से चादर है, फिर भी सर्दी लग रही है। और रात को सोने का तो यार ना ही पूछो, नींद आती है कोई इतने शोर के अंदर और इस तरह की जगह के ऊपर। अच्छा तो हमने मेला मूला घूम लिया है, अभी हम ये हमने सुबह सुबह निकल रहे हैं वापस के, जाते जाते ज़्यादा देर नहीं हो जाए, टाइम से वापस घर पहुंच जाए। तो अभी हम आपको रास्ते में दिखाते हैं कि रात को किन किन मुश्किलों से गुजर के आए थे, क्योंकि रात को तो अंधेरा था, कुछ शूट नहीं कर पाया। अभी सुबह का मंजर है, अभी आपको दिखा देते हैं। ओके, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है शाहिद भाई ने और मैंने भी, अभी बस चलते हैं, इम्तियाज भी आ गया है। और भाईजान आइलैंड के ऊपर सूरज तलू होते हुए तो मुझे बहुत छोटा लगा, जितना जूम करता गया फिर उतना मुझे नॉर्मल लगने लग गया। और ये कीचड़ अभी तो कुछ भी नहीं है यार, रात को जो था वो सारा खुश्क हो गया है, बहुत ज़्यादा कीचड़ था रात को। ये तो अभी हमें खुश्क जगह नज़र आ रही थी चलने के लिए, रात को ये भी नहीं थी। हेलो जी, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है और 1.5 किलोमीटर हमने किया है जो कहते हैं ना बेकार सफ़र, घूम के वापस एक ही जगह के ऊपर आ गए और गलत रास्ते पे जा रहे थे पहले, तो अभी दोबारा जा रहे हैं। यहाँ पे बाकी सारे जा रहे हैं, पूरी लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें वो दूर तक सूरज की किरणें, सूरज की तरफ सारे जा रहे हैं। जाहिर है भाई, अगर आपने सफ़र करना है तो सफरी मुश्किल तो झेलनी पड़ेंगी ना। तो देखें अभी मेरे पैरों की हालत क्या हो रही है, सारे नरम मिट्टी है ना, तो इसके अंदर सारे पाँव तो मिट्टी से भर गए हैं, कहीं कहीं नहर भी आ रही है पानी, उसको क्रॉस करना पड़ता है अंदर से जाके। यार मैं समझता था कि समंदर के किनारों पर रेत होती है, जैसे कराची के ऊपर बीच के ऊपर रेत ही रेत होती है, लेकिन अब मुझे यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कीचड़ और मिट्टी है, रेत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पे। हम कश्ती से उतर गए हैं और बहुत थके हुए हैं, अभी जाएंगे वापसी की तरफ। रास्ते में चाय कहीं से पियेंगे, सर्दी लग रही है, फिर देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है, घर जाते हैं अभी बस। तो जानी लोग कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, तो लाइक तो बनता है जनाब, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार दीजिए, अपना प्यार दिखाइए कमेंट्स के अंदर, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो तो लाजमी कर दो यार, क्यों अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया हुआ, और अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ तो लाजमी शेयर करो यार।
दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो भी सब्सक्राइब करेंगे और हमारा चैनल भी बढ़ेगा, ग्रो करेगा। और आप अपनी स्पोर्ट इस तरह दिखाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का भी ख्याल रखिए और खुद भी कहीं घूमने फिरने जाते रहा कीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। हम ही आज हैं, हम ही कल भी, हमसे ये जहां, इस जहां से हम नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, आगे जहान और भी है, हार नहीं मानी अभी इम्तिहान और भी है। हम ही आज हैं, हम ही कल भी, हमसे ये जहां, इस जहां से हम नहीं।